हेलो फ्रेंड्स, जीपेट अड्डा एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ एंटी रिट्रोवायरल ड्रग के टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा। इसमें जो सेकंड कैटेगरी है वो मैं आज डिस्कस करूंगा, वो है नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। कौन सी कैटेगरी है? नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। लास्ट लेक्चर में हमने जो पार्ट डिस्कस किया था वो था न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। तो सबसे पहले इसके अंदर जो ड्रग आती है उसकी शॉर्ट फॉर्म है नीड, NEED, नीड। एन से नेविरेपिन, ई से इफावीरेंस और डी से डेलाविरिडिन। तो जो तीन ड्रग है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करती है? नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये ड्रग एक्ट कैसे करती है, ब्रीफ में मैं पास से शो कर रहा हूं कि जो रिट्रोवायरस है वो मल्टीप्लाई कैसे करता है। सबसे पहले होस्ट की सेल के साथ फ्यूज करेगा, फ्यूजन के बाद पेनिट्रेट करेगा, पेनिट्रेट करने के बाद उसकी अनकोटिंग होगी। अनकोटिंग होने के बाद क्या होगा, जो जेनेटिक मटेरियल है आरएनए, वायरल आरएनए वो बाहर आएगा अनकोटिंग होने के बाद, और वो वायरल आरएनए उसकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। और उसमें कौन सा एंजाइम हेल्प करेगा, वो होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। वो एंजाइम क्या काम करेगा, वायरल आरएनए को वायरल डीएनए में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये जो ड्रग है वो क्या काम करती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को इनहिबिट करके रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को इनहिबिट करती है, जिससे फर्दर क्या होगा, जो रेप्लिकेशन प्रोसेस वो नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो डिस्कस करूंगा। सबसे पहला पॉइंट कि ये ड्रग न्यूक्लियोसाइड एनालॉग नहीं है, न्यूक्लियोसाइड एनालॉग नहीं है। लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो क्या था कि न्यूक्लियोसाइड एनालॉग ड्रग थी जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर रही थी। ये ड्रग न्यूक्लियोसाइड एनालॉग नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा कि इन ड्रग्स की, क्योंकि ये न्यूक्लियोसाइड एनालॉग नहीं है तो इन ड्रग्स की फॉस्फोराइलेशन होस्ट सेल के अंदर जाने के बाद नहीं होगी, मींस नॉट फॉस्फोराइलेशन इन होस्ट सेल। इन ड्रग्स की होस्ट सेल के अंदर फॉस्फोराइलेशन नहीं होगी। जो पहले कैटेगरी थी न्यूक्लियोसाइड एनालॉग, उनकी क्या हो रही थी, होस्ट सेल के अंदर जाने के बाद फॉस्फोराइलेशन हो रही थी। थर्ड पॉइंट, ये ड्रग क्या काम कर रही है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को नॉन कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट कर रही है, नॉन कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट कर रही है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को। जो न्यूक्लियोसाइड इनहिबिटेड ड्रग थी वो ड्रग क्या काम कर रही, कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट कर रही थी। और फोर्थ पॉइंट क्या है, ये जो ड्रग बाइंड करती है नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटेड ड्रग्स, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की दूसरी साइड पे बाइंड करती है, जिसको बोलते हैं एलोस्टेरिक साइड, मींस जिस साइड पे न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटेड ड्रग बाइंड कर रही थी उस साइड से अलग साइड पे बाइंड करेंगी। ये ड्रग भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को इनहिबिट करेंगी लेकिन अलग साइड पे बाइंड करेंगी, जिस साइड पे न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर बाइंड करेगी वहां पे ये ड्रग बाइंड नहीं करेंगी। तो ये ड्रग क्या काम करती है, इनहिबिट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बाय बाइंडिंग एट डिफरेंट साइड देन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, मींस ये ड्रग एलोस्टेरिक साइड पे बाइंड करेंगी। और लास्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ड्रग है सिर्फ HIV-1 उसको इनहिबिट करती है, HIV-2 को ये इनहिबिट नहीं करती। तो चारों पॉइंट, पांचों पॉइंट को दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि पहले तो ये ड्रग है कि न्यूक्लियोसाइड एनालॉग नहीं है, दूसरा ये ड्रग होस्ट सेल के अंदर फॉस्फोराइलेट नहीं होगी, थर्ड क्या है कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, और फोर्थ वन क्या है कि ये ड्रग एलोस्टेरिक साइड पे बाइंड करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की, मींस जिस साइड पे न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर ड्रग बाइंड करती है उससे अलग साइड पे ये ड्रग बाइंड करके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को इनहिबिट करती है। अब आते हैं इंडिविजुअल ड्रग पे। सबसे पहली जो ड्रग है वो है नेविरेपिन। नेविरेपिन जो ड्रग है उसका एडवर्स इफेक्ट क्या है कि ये ड्रग रैशेस कॉज करती है, रैशेस कॉज करेगी, साथ में ये ड्रग हिपेटोटॉक्सिसिटी शो करती है। थर्ड वन क्या है कि ये ड्रग स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम भी कॉज करती है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि ये ड्रग साइटोक्रोम 450 एंजाइम को इंड्यूस करती है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नेविरेपिन ड्रग है वो साइटोक्रोम P450 एंजाइम को इंड्यूस करती है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस ड्रग को हम जो HIV है मदर से फिटस को ट्रांसफर होता है उस केस में हम यूज करते हैं, जैसे ज़ेडोबिलिन ड्रग को हम यूज कर रहे थे कि मदर से फिटस के पास HIV ट्रांसफर ना हो। अगर मदर है वो HIV पॉजिटिव है और फिटस
के पास अगर हमने रोकना है कि वहां पे एचआईवी ट्रांसफर ना हो तो हम कौन सी ड्रग यूज करेंगे, ज़ेडोबिडिन, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर में। वैसे ही यहाँ पे नेविरेपिन ड्रग को हम यूज करते हैं टू प्रिवेंट द वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी फ्रॉम मदर टू फिटस। दूसरी जो ड्रग है वो है इफावीरेंस। इफावीरेंस जो ड्रग है इसका जो साइड इफेक्ट है वो क्या है कि ये रैशेस कोज करती है। इसका साइड इफेक्ट भी क्या है कि ये रैशेस कोज करती है। दूसरा इंसोमेनिया ये कोज करती है। थर्ड वन काफी इंपोर्टेंट है कि ये टेराटोजेनिक है, मींस ये ड्रग फिटस को अफेक्ट करती है, इसलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इस ड्रग को हम अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट है हेडेक कोज करती है। उसके आगे है कि ये काफी इंपोर्टेंट है कि ये ड्रग न्यूरोसाइकियाट्रिक डिसऑर्डर भी कोज करती है, लाइक डिल्यूजंस, मैनिया या न्यूरोटॉक्सिसिटी भी ये ड्रग कोज करती है। और लास्ट है कि ये ड्रग भी साइटोक्रोम P450 एंजाइम को इंड्यूस करती है। नेविरेपिन भी और इफावीरेंस दोनों ड्रग क्या काम कर रही है, साइटोक्रोम P450 एंजाइम को इंड्यूस कर रही है। थर्ड वन डेलाविरिडिन, इस ड्रग का भी साइड इफेक्ट क्या है कि ये ड्रग रैशेस कोज करती है। मींस तीनों ड्रग है या हम बोल सकते हैं कि नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इनहिबिटर ड्रग्स क्या कोज कर रही है, रैशेस कोज करती है एज ए साइड इफेक्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ड्रग साइटोक्रोम P450 एंजाइम को इनहिबिट करती है। पीछे जो ड्रग आई थी वो इंड्यूसर थी और ये ड्रग क्या काम करती है, साइटोक्रोम एंजाइम को इनहिबिट करती है। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ड्रग टेराटोजेनिक है। ये ड्रग भी टेराटोजेनिक है। इफावीरेंस और डेलाविरिडिन दोनों टेराटोजेनिक ड्रग है, मींस ये ड्रग फिटस को अफेक्ट करती है, इसलिए हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इन ड्रग को अवॉइड करते हैं। और नेविरेपिन का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि मदर से फिटस के पास एचआईवी को ट्रांसफर होने से रोकने के लिए या वर्टिकल ट्रांसमिशन को रोकने के लिए हम किसको यूज करते हैं, नेविरेपिन ड्रग। और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये ड्रग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को इनहिबिट करती है बट नॉन कॉम्पिटिटिवली। और साथ में दूसरा पॉइंट क्या है कि ये ड्रग न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इनहिबिटर ड्रग से अलग साइट पे बाइंड करेंगी, ठीक है, मींस हम उसको क्या बोलेंगे, एलोस्टेरिक साइट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।